हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं चैनल पे तो भी सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, डीजीआई के बारे में इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि डीजीआई कब आएगी, इंडियन ड्रोन्स की लिस्टिंग, कुछ कंपनी इंडियन ड्रोन कंपनीज लिस्ट हो गई हैं वहाँ पर। तो डीजीआई का जो प्रॉपर टाइम तो अभी नहीं पता लगा, पर एक मुझे एक दो कंपनी से कॉन्टैक्ट किया है। स्काईलार्क ड्रोन से भी मेरी बात हुई है कि रियलिटी बताई जाए। एक्चुअल में काफ़ी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दो ड्रोन कंपनीज लिस्ट हो गई, तो उसमें से स्काईलार्क एक कंपनी थी। तो इसमें कुछ मैं रियलिटी बताऊंगा कि डीजीआई किस तरह से, या डीजीआई जैसी बाहर की कंपनीज किस तरह इंडिया में आएंगी डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म पर। नंबर टू, आपको बताया जाएगा कि स्काईलार्क ड्रोन्स ने मुझे खुद पर्सनली ईमेल किया था कि काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, तो वो मैं आपको क्लियर करूँगा कि स्काईलार्क ड्रोन कंपनी क्या है। वो मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रोन्स नहीं है, और वो क्यों लिस्ट हुई है वहाँ पर, सब आपको जो डाउट्स हैं इसमें पूरे क्लियर होंगे। इसके अलावा एक और ड्रोन कंपनी जो अभी लिस्ट नहीं हुई है, अक्टूबर में लिस्ट होगी, वो भी ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं जो स्काईलार्क ड्रोन्स कर रहे हैं। तो बेसिकली दीज आर बेसिकली ड्रोन कंपनीज दैट हेल्प इन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर द ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स। सिंपल भाषा में आपको बताया जाए कि काफ़ी कंपनीज अब इंडिया में, जैसे आपको बताऊं कि ड्रोन लीगल हो चुके हैं, सबको मालूम है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बन चुका है जिस पे ये सब परचेज होगी, रजिस्ट्रेशन होगी ड्रोन्स की। और वो मैं पहले बता चुका हूँ रेगुलेशन में कि जो भी ड्रोन इंडिया में बिकना है वो NPNT कंपेटेबल होना चाहिए, मतलब नो परमिशन नो टेक ऑफ कंपेटेबल। मतलब जब तक आपको वो DGCA परमिशन नहीं देता वो टेक ऑफ नहीं करना चाहिए, ये उसमें अपडेट होनी चाहिए। तो ये चीज़ कराने के लिए अगर फॉरेन वाली कंपनीज DJI, Xiaomi, JGRC, इनाफी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बाहर की जो अच्छे अच्छे ड्रोन्स वर्ल्ड ओवर बेचती हैं, एंड अगर उन्होंने इंडिया में बेचने हैं तो उनको NPNT कंपेटेबल होना पड़ेगा। तो इन कंपनीज़ को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनीज बनी हैं, उनमें से ये एक कंपनी है स्काईलार्क ड्रोन्स, जो कि ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है एक तरह से कहा जाए तो। तो दीज कंपनीज विल हेल्प अदर कंपनीज जो बाहर की हैं या जो इंडियन भी हैं, क्योंकि काफ़ी इंडिया में भी बन रही हैं। टाटा भी ड्रोन मैन्युफैक्चर में आने वाला है, इस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो इन सब कंपनीज़ को NPNT कंपैटिबल बनाने के लिए स्काईलार्क ड्रोन कंपनी जो लिस्ट हुई है, उन्होंने खुद साफ साफ लिखा है, उनकी मैं लैंग्वेज बता दूं, वी वुड लाइक टू क्लेरिफाई दैट स्काईलार्क ड्रोन इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर, ये ड्रोन नहीं बनाते हैं, बट दे आर ए ड्रोन सोल्यूशंस प्रोवाइडर। दे आर ड्रोन सोल्यूशन प्रोवाइडर, इसका मतलब है वो हेल्प कर रहे हैं दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने के लिए, सेल परचेज करवाने के लिए दूसरे ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स की, ताकि वो NPNT कंपेटेबल हो सकें। तो उन्होंने क्लियर लिखा है, दे आर ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर हु हैव रिसेंटली बीन अप्रूव्ड और DGCA से अप्रूव कराए गए हैं टू ऑफर कंप्लायंट सॉल्यूशंस टू ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। मतलब उनको DGCA ने अप्रूव कर दिया कि आप, यस, एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, कंप्लायंट कंपनी, आपको सोल्यूशन, मतलब तरीके बताने हैं दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि वो हमारी रेगुलेशन के हिसाब से DGCA पे लिस्ट हो सकें। सो दीज आर, यू कैन से, मेडिएटर इन बिटवीन। और यही इंफॉर्मेशन थी इन कंपनीज के बारे में। इसके अलावा एक और कंपनी स्काईलार्क ड्रोन, आपको क्लियर हो गया कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो एक सोल्यूशन, ड्रोन सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए एक कंपनी है, जो कि हेल्प करेगी अदर ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स को लिस्ट होने में DGCA पे और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। इसके अलावा एक और मेरे पास ईमेल आई थी मिस्टर ऋषभ की, ये भी इसी तरह की कुछ कंपनी है, कंपनी का नाम है एलिगो पिक्सल टेक्नोलॉजीज। तो एलिगो पिक्सल टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है वो भी इस तरह से सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, एंड What they do the same thing. They are also based in Bangalore. So, उन्होंने भी क्लियरली मुझे लिखा था कि वी हेल्प ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स इन अंडरस्टैंडिंग द NPNT कंप्लायंस एंड देन द इंटीग्रेशन विद द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। तो ये दूसरी कंपनी है, इनसे भी मेरी बात हुई थी, इन्होंने मुझे, अब क्योंकि अब ड्रोन एक्सक्लूसिव चैनल है हमारा, तो काफ़ी कंपनीज को पता लग रहा है कि दिस इज़ द चैनल वेयर वी कैन give you the real information. तो उन्होंने मुझे स्पेशली अपने आप ईमेल किया था, शायद वीडियो देखे होंगे मेरे, एंड अगर आपको दिखाना हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है मिस्टर ऋषभ,
डिजिटल स्काई एंड एल्गो पिक्सल टेक्नोलॉजीज, इन्होंने मुझे ईमेल की थी, इन्होंने भी मेरे वीडियोज़ वॉच किए हैं और फिर इन्होंने बताया कि हम वही कंप्लाइंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं कंपनीज़ को ताकि वो NPNT कंपैटिबल हो सकें। और यही कंपनीज हैं, हाँ बाकी मैंने जैसे आप सबका सवाल है कि DJI, काफ़ी लोग चाहते हैं कि DJI NPNT कंपैटिबल हो और इंडिया में आए, तो यही कंपनीज हैं जो DJI वगैरह को ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा के उस पर लिस्ट करवा सकती हैं। तो अवेटेड है, मैंने उनसे बात की है, ईमेल करी है, उनसे पूछा है और जैसे कन्फर्म सॉल्यूशन आएगा मैं इस पर अपडेट कर दूंगा। तो बने रहिए इस चैनल पर, आपको अपडेट मिलेगी कि DJI कब आ रहा है इन कंपनीज के थ्रू NPNT कंपैटिबल होने के बाद। तो और लास्ट में एक और बात बता दूँ पतंग ड्रोन के बारे में। पतंग ड्रोन का मैंने बताया था कि स्काईलाइट के थ्रू कुछ हुआ है, तो उसका मैं क्लैरिटी बताता हूँ कि पतंग जो ड्रोन वहाँ पर मॉडल लिस्ट हुआ है वो BEL ने बनाया है, बेसिकली मैन्युफैक्चर है BEL जिसका नाम है, फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सबको मालूम होगा काफ़ी मशहूर कंपनी और काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी जो मैं बताना जा रहा हूँ बात। तो ये जो ड्रोन है पतंग जो लिस्टेड है आपके डिजिटल साइड प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसको स्काईलार्क ड्रोन सॉल्यूशंस कंपनी द्वारा हेल्प किया गया, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना NPNT कंपैटिबल में उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कराया जाए। तो थ्रू स्काईलार्क ड्रोन्स BEL कंपनी द्वारा बनाया गया ये ड्रोन पतंग लिस्ट हुआ है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर। यही तरीका है जो आने वाले फ्यूचर में काफ़ी कंपनीज इन कंपनीज के थ्रू लिस्ट होंगी अपने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे और आप उन्हें परचेज कर पाएंगे। तो मेन मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज दैट रियल इंफॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज दिस, दैट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे जो स्काईलार्क ड्रोन्स की बात हो रही है दैट इज ए कंप्लायंट सॉल्यूशन ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी, मैन्युफैक्चर नहीं है। और दीज कंपनीज लाइक दीज विल हेल्प अदर कंपनीज अदर मैन्युफैक्चरर्स टू गेट लिस्टेड ऑन डिजिटल साइड प्लेटफॉर्म। तो वो आपको पसंद आया वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इज एन इंपॉर्टेंट एक्चुअल क्रूशियल इन्फॉर्मेशन और जो बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू, जय माता दी।